नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद से सदस्यता गंवाने के बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बार फिर से अपना वही पुराना रवैया उन्होंने बरकरार रखा है। एक बार फिर से उनका ये कहना है कि वो गांधी है, सावरकर नहीं, और माफी नहीं मांगेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं अपने संसद सदस्यता गंवाने की जो ठिकरा है वो प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर के फोड़ा है। उनका कहना है कि जो सरकार है वो अडानी के मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहती है, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है। और इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो गांधी को बिलोंग करते हैं, सावरकर को नहीं करते हैं। बता दें कि वीर सावरकर को आज देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है, लेकिन हर बार राहुल गांधी जो है वो सावरकर का अपमान करते हुए नजर आते हैं और बार बार सावरकर को एक ऐसा व्यक्ति बताते हैं जो कि अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। आपको बता दें कि जो राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि वो कभी माफी नहीं मांगेंगे, तो आपको याद दिला दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त भी राहुल गांधी ने रैलियों में खूब भाषण दिए थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि चौकीदार ही चोर है। दरअसल उन्होंने राफेल डील का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि मोदी सरकार में राफेल डील को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आज तक ना तो वो इसके सबूत दे पाए और ना ही इस भ्रष्टाचार को लेकर के कोई तथ्यात्मक बातें कर पाए, जिसको लेकर के बकायदा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी थी। इसके बावजूद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो कभी माफी नहीं मांगेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, कितने ज्यादा बौखलाए हुए और डरे हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि जो राहुल गांधी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी सवालों को सुन करके डर गए और बार बार पानी पीते हुए नजर आए थे, और जब वो पानी पी रहे थे सदन में, जब मेरे सवालों का जवाब दे रहे थे, तब उनके हाथ भी कांप रहे थे। ये प्रधानमंत्री मोदी के डर को दिखाता है। लेकिन आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार राहुल गांधी पानी पीते हुए पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए नजर आए थे। इस बीच तमाम पत्रकार राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे और उसमें से एक पत्रकार राहुल गांधी से सवाल करते हैं और जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा जो उन्हें सजा सुनाई गई है और साथ ही प्रधानमंत्री और अडानी को लेकर के वो सवाल पूछते हैं, लेकिन जैसे ही पत्रकार द्वारा ये सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी भड़क जाते हैं और उस पत्रकार के सवालों को सुन करके बौखला जाते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में ये कहते हैं कि आप पत्रकार होने का ढोंग ना करें, कि आप एक आईडी लगा लीजिए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ना कि पत्रकार हैं। इसके बाद वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं और कहते हैं क्यों, हवा निकल गई। अब इस चीज को लेकर के लोग रिएक्शन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और ये जो देश है वो किसी तानाशाह के हाथ में चला गया है, तो आपको जिस तरीके से ये पत्रकार के साथ आज जो व्यवहार किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसे राहुल गांधी क्या नाम देना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकार कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, नेशनल मीडिया में उनकी बातों को रखने का काम करते हैं, लेकिन आज उन्हीं राहुल गांधी ने एक पत्रकार को लेकर के इस तरीके से बातें की और कहा कि क्यों हवा निकल गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी पूरे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ दो बातों को बार बार रटते हुए दिखाई दिए। पहला मुद्दा तो ये कि 20,000 करोड़ रुपए जो कि अडानी की कंपनी में लगे हैं वो किसके पैसे हैं, और दूसरा जो सवाल रहा, या यूं कहें कि जो हर बार राहुल गांधी का जवाब रहा, वो यही था कि ये जो तमाम चीजें की गई है उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर के वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रहा, बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। साथ ही उनका ये कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सदस्यता को 6 साल के लिए रद्द किया जाए, 2 साल के लिए रद्द किया जाए, बल्कि पूरे जीवन भर के लिए भी अगर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जनता के बीच में रहेंगे और जनता के आवाज को उठाते रहेंगे। साथ ही उनका कहना है कि
इस देश की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, इज्जत दिया है और सब कुछ दिया है इस देश ने उन्हें। लेकिन वही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई में राहुल गांधी को देश की जनता ने प्यार और इज्जत दिया है तो ये दो बार के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन का स्तर है वो लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही राहुल गांधी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह रहे थे कि सदन की सदस्यता को रद्द किया गया है इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट स्पीच उनका था सदन में उससे प्रधानमंत्री मोदी पहले ही डर गए थे और ये डर राहुल गांधी ने उनकी आंखों में देखा था जिसकी वजह से ये तमाम चीजें की गई है। आपको बता दें कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और देखने को मिल रहा है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम कांग्रेसी नेता इस वक्त सड़कों पर भी उतर आए हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस की राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी ने पूरी की पूरी ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया है और हम उनकी गाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें इस काम को लेकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने बात कही है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जो सज़ा मिली है उन्हें कोर्ट ने दी है, ना कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा दी गई है, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये चीजें दर्शाती है कि कैसे वो कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश को ताक पर रख रहे हैं और जो लोकतंत्र खतरे में है इस बात को बोल रहे हैं, वो खुद लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बता दें, न सिर्फ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं बल्कि जो आजकल राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, बार बार उन्हें एडवाइस करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश भी माफी मांग चुके हैं। दरअसल ये जो मामला है वो अजीत डोभाल जो कि देश के NSA हैं उनके बेटे विवेक डोभाल से जुड़ा हुआ है और बाकायदा राम रमेश ने लिखित में विवेक डोभाल से माफी मांगी थी। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं जिसमें कि समय समय पर कांग्रेस के नेताओं ने माफी मांगी है, लिखित में माफी मांगी है, इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वो सावरकर नहीं बल्कि गांधी हैं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। इसी के साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर के कहा जा रहा है कि मैंने उनको फोटोज दिखाई स्पीकर को और तमाम सबूत दिखाई, तो आपको याद दिला दें कि बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है कि गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब से उनकी दोस्ती है, तो ये जो सिलसिला है वो भी हाल ही में कांग्रेस शासित राज्यों में भी देखा जा रहा है जहां पर गौतम अडानी की कंपनियों ने निवेश किया है जिसमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी है। अभी हाल ही में जब राजस्थान में बिजनेस समिट हुआ था तो वहां पर भी गौतम अडानी की कंपनी ने करोड़ों का निवेश राजस्थान में किया था। इसके बावजूद राहुल गांधी जो है गौतम अडानी को लेकर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।